ये है अब तक का बनाया गया सबसे कमाल का लेजर ऑब्स्टिकल, और हमने इस वीडियो के लिए बनाई हुई कई खतरनाक और एक्सट्रीम मेजेस में से ये सिर्फ एक मेज है, और इन 10 लोगों में से जो भी सबसे ज्यादा देर सर्वाइव करेगा वो जीतेगा $2,50,000। सब लोग मेरे पीछे आओ, स्वागत है रूम नंबर 1 में। क्या ये किसी तरह का मजाक है? नहीं, आखिर हम इससे कैसे गुजरे? रूल्स आसान है, इन्हें बस उस पैसों के बॉक्स को छूना है, पर लेजर को टच करते ही $2,50,000 हाथ से चले जाएंगे। और बिलियन डॉलर का सवाल ये है कि पहले कौन जाएगा। ओह, ओके, पहला खिलाड़ी मिल गया। आखिर इसे पार कैसे करें? मुझे टेंशन हो रही है। और हाँ, ये हमने बनाई हुई सभी रूम्स में से सबसे आसान रूम है, इसके बाद मुश्किलें और बढ़ने वाली है। ठीक है, वो नंबर 1 को हिलने के लिए जरा भी जगह नहीं दे रही है। ठीक है सुनो, मुझे ठीक वहाँ पहुँचना होगा। ये गेम जैसा लगता तो है, लेकिन ये बहुत सीरियस है। इस बॉक्स के अंदर पूरे के पूरे $2,50,000 है जो दाव पर लगे हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। ओके, ओह, वो तुम्हारी ओर आ रही है। ओह माय गॉड, ओह माय गुडनेस। अरे नहीं, ये आउट हो गया। नहीं, मैं आउट हो गया। क्या मैंने अभी? ओह माय गॉड, अब सिर्फ 9 बचे हैं। नहीं नहीं, यस, तुम कर सकते हो। ठीक है, हमें पहला विजेता मिल गया। दूसरा विजेता। मैं फंस गया। ओह ओह ओह, मैं कर लूंगा, ये देखो। क्या बात है दोस्त, तुम बाल बाल बचे। अब 8 बचे। ओह, और बाय द वे, ये वीडियो स्पेस में होने वाला है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने गलती से पूरा प्लैनेट उड़ा दिया था। और हाँ, ये CGI नहीं है, ये 100% रियल है, इसलिए ये सवाल पूछना बंद करो। कॉन्ग्रेट्स, पहला लेवल सर्वाइव करने के लिए। हम यहाँ अब बस 7 लोग बचे हैं। वाह, हम यहाँ तक आ गए। लेवल 1 के बाद क्या सोच रहे हो? ध्यान दो, टारगेट बनाओ, फिर से ध्यान दो। ध्यान देना जरूरी है? उसके बिना नहीं होगा। अच्छा, मेरे दिमाग में बस एक चीज है, ये पूरे $2,50,000 से और भरा वो होना भी चाहिए। तो फिर चलो, आप 7 में से कोई एक जीतेगा पूरे $5,00,000। चलो अगले लेवल पर चलते हैं। कम ऑन, चलो चले, चलो चलो, चलो, वो पैसे मेरे हैं। ठीक है, सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाओ, ज्यादा आगे मत आना। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? ठीक है, लेजर्स को शुरू किया जाए। ये कुछ ज्यादा ही है, बहुत डर लग रहा है। ये लेवल पूरा करने के लिए आप में से सबको ये कोर्स पूरा करके उस दीवार तक जाना होगा, या ये रेड लेजर वॉल्स आपको पिचका देंगी। तो बीच में ही रहना। भरोसा करो, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मुश्किल है तो ये सच में है। मैंने भी इसे पहले ट्राई किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। लेवल 2 शुरू करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दीवारों को और तेज करो। जल्दी चलो। सच में क्या मुसीबत है, ये बहुत मुश्किल है। चलो 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 जल्दी करो। समझ भी नहीं आया, शुरू हो गया, मुझे लगा बस इंट्रो हो रहा है और अचानक से दौड़ने लगा। मुझे तो बस दौड़ना पड़ा, ऐसा लगा कि अगले लेवल के लिए पीछे आओ। अभी यहाँ सभी खुश लग रहे होंगे, पर मुझे इन्हें कुछ बताना भी है। आप सब सर्वाइव नहीं कर पाए, आप में से कुछ ने लेजर को टच भी किया है। मैं अभी फुटेज लेकर आता हूँ। क्या किसी ने कुछ देखा? मुझे नहीं लगता मैंने उसे टच किया, पर कह नहीं सकती, मुझे बस अगले लेवल पे जाना है। मैं उस गड्ढे में कूदने वाली दूसरी इंसान थी, इसलिए लगा मेरे पास ज्यादा समय, पर क्या को देखते हैं। लगता नहीं मैंने लेजर को टच किया है, पर मैं आखिरी प्लेयर था, बॉल्स आ रही थी, तो शायद मेरा नंबर है। मेरे हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, मेरा भी। सच में? इस आईपैड पर देखते हैं कौन कौन एलिमिनेट हुआ है। मुझे नहीं देखना। ठीक है, सब यहाँ यहाँ। ओह गॉश, तो ये है प्लेयर नंबर 1। ये मैं हूँ। पहले तुम्हारे शोल्डर पे लगा, फिर पीठ पर, फिर पिछवाड़ा। यकीन नहीं होता कि तुम इतनी बार हिट हुए। हम सब के सब तुम्हें सल्यूट करना चाहते हैं। बाय दोस्तों। बाय बाय। यहाँ आकर मजा आया। अब अगर हम ठीक यहाँ पर देखें, नंबर 8 पर जूम करके, तो हम देखेंगे कि वो आउट नहीं हुआ, असल में तुम आउट हुए। समझ नहीं आता आप दुखी क्यों हैं? अभी 5 बचे हैं। हम खुश हो सकते हैं, पर बदकिस्मती से इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। स्वागत है अगले लेवल में। ये सच में कमाल का है ना? समझ नहीं आ रहा ये क्या है। पता है ये समझना मुश्किल है, पर ये लेवल बहुत ही आसान है।
टाइमर शुरू होते ही 10 मिनट के अंदर आपको उस मूविंग प्लेटफॉर्म तक जाना होगा, फिर क्रॉस बीम से आगे जाकर, फिर से एक मूविंग प्लेटफॉर्म से होकर लेजर से बचकर सुरक्षित आगे कूदना होगा। टाइमर शुरू किया जाए। ठीक है, तो कौन पहले जाएगा? यहाँ पर 3 लड़कियां हैं, तो इनमें से कोई पहले जाए। मैं जाऊंगी, मैं टीम के लिए आगे जाऊंगी। मुझे जाना चाहिए था। सच में ये पागलपन है। वो बीम डगमगा रहा है, मैं उसे देख सकता हूँ। बहुत अच्छे रेन। 7 मिनट बचे हैं। मैं आगे ही बढ़ रही हूँ। तुम जा रही हो? हाँ। ओके, तुम इसे कैसे करोगे? मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं कहूंगा। वो तुम सबको ही सोचना होगा। अब जाना होगा। ठीक है, मैं आगे जा रही हूँ। ठीक है, प्लेयर 10 अभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर है। बैलेंस बीम पर कौन है? ठीक है, बस हो गया। Yes! Yahoo! Girl power! Run the world! Gods! वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी करो। शायद हमें साथ में जाना चाहिए। ओह, वो भी चली गई। दोनों साथ में जा रहे हैं। एकदम आराम से। ठीक है, अब देखते हैं। तुम आखिरी बचे हो, बस 4 मिनट बचे हैं। बचकर तुम्हारे पीछे एक लेजर है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अब बस 3.5 मिनट बचे हैं। वो पीछे जा रहा है। कमाल था, कमाल था। सिर्फ प्लेयर 8 बचा है जो अब तक कम्पीट कर रहा है। मेरे पास अभी भी टाइम है, टाइम है मेरे पास। मुझे नहीं लगता वो कर पाएगा। ध्यान से, तुम कर सकते हो। बस पास में ही हो। बस कुछ लेजर्स ही बचे हैं। ओह माय गॉश। Congratulations, तुम सब बच गए। अब चलते हैं अगले लेवल पर, जहाँ है जाइंट डेथ बीम्स। क्या डेथ बीम्स? हाँ सही सुना, डेथ बीम्स। मैंने स्पेसशिप पर 42 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए हैं, तो क्या लगा मैं इसमें डेथ बीम्स नहीं डालूंगा? स्वागत है लेवल 4 में। हम वहाँ पर देख क्या रहे हैं? वो पता नहीं सकते। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। बॉयज, डेथ बीम्स फायर करो। ये तो कमाल है। क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, फायर करने से पहले एक लाइट फ्लैश होगी। आपका गोल आसान है, किसी भी रेड लेजर को छुए बिना उस तरफ जाना है, या फिर उन बड़ी सी ब्लू डेथ लेजर्स को टच करके खाक में बदल जाओ। मजे करो। नोज के नीचे गया। नंबर 6 सेफ है। नंबर 8 भी सेफ। वो मुझे, कम ऑन। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ओके, चलो अब चलो। ओके, ओह गॉड। बस नंबर 4 बचा है। शायद उसने कर दिया। वो बॉक्स मुझे दो। आओ इसे टच करो। क्या बात है, क्या बात। चलो। इसने तो मेरे सीने की धड़कन बढ़ा दी। मुझे खुशी है कि आप 4 बच गए, क्योंकि असल में लेवल 6, 7, 8, 9 और 10 बहुत ही महंगी हैं। तो उम्मीद है कि आप जल्दी ना हार जाएं। पर सच कहूँ तो अगले लेवल पर कोई भी नहीं हारा, तो मुझे बहुत हैरानी होगी। आखिर ये सब क्या है? इस जेल के अंदर आ जाओ। वाओ। लेजर डोर को बंद करो। ठीक है।
अभी आप कैद हैं एक बड़ी सी लेजर जेल में, और अगले 10 घंटों में किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर ये लेजर 3.5 सेकंड्स के लिए बंद होंगी, और उनके फिर से जलने से पहले आपको इस पैसों के बॉक्स को छूना है। पता है 3.5 सेकंड्स कितने कम है और ये रूम कितना बड़ा है? बिल्कुल नहीं जिमी, बिल्कुल नहीं। मजे करो। सिर्फ 3.5 सेकंड्स का इंतजार करने के लिए 10 घंटे कौन देता है? बिना सोए इंसान कितनी देर रह सकता है? मैं 48 घंटे बिना सोए रह चुका हूँ। क्यों? शायद मैं उस रात वीडियो गेम्स खेल रहा था। तुम्हें लगता है हम पूरे 10 घंटों तक टिक पाएंगे? शायद टिक पाएंगे। मैं झूठ नहीं कहूंगी, ये बहुत डरावना है। मैं कहता हूँ लेजर को छू लो। समझ नहीं आ रहा यहाँ चल क्या रहा है, पर जल्द ही पता चल जाएगा। प्लीज इसको बंद करो, प्लीज। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या वो हमारे लिए खाना लाएंगे? कोई खाना नहीं मिलेगा, अगर वैसा किया तो 10 घंटे आराम से निकल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। अगर वो खाने को कुछ दे भी देते। ओ गॉड, कैसा चल रहा है? बस देख रहा था तुम सो तो नहीं, हम जग रहे हैं। उठा दिया। क्या लगता है कितने घंटे हुए हैं? मेरे ख्याल से 3 घंटे हुए। अब तक 6.5 घंटे हुए हैं और आपको भूख लगी होगी, तो बॉयज अंदर आ जाओ। हम तुम्हारे लिए प्राइम भी लाए हैं। थैंक्स केएसआई। क्या तुम पहली बार प्राइम ट्राई कर रहे हो? ये प्राइम का मेरा पहला सिप है। ओके, चलो देखते हैं प्राइम का सबसे पहला सिप। तो तुम्हें कैसा लगा? ये बिल्कुल पॉपसिकल जैसा। मुझे भी हैरानी हुई थी, टेस्ट काफी अच्छा है। प्राइम और खाने के मजे लो। थैंक यू, थैंक यू। 6 घंटे? मुझे तो नहीं लगता। 6 घंटे बिल्कुल नहीं हुए हैं। इसके बंद होते ही मैं तो चली। अब मजा आना बंद हो चुका है। मैं उस बॉक्स को न छूने के लिए इतना वक्त यहाँ नहीं बिता सकती। पता है जितना ज्यादा हम यहाँ रहेंगे उतना ही ज्यादा हम धीरे दौड़ पाएंगे। हम तो बस गए समझ लो। 10 मिनट से लेकर 10 घंटे, ये किस तरह की रेंज है जिमी? तुम हमारे साथ कर क्या रहे हो? ये बस पागलपन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग पिंजरे में कैद हैं। अभी सुबह के 5 बजे है और वो वहाँ अंदर 7 घंटों से है। खतरा बढ़ रहा है। सब पैसों को देख रहे हैं, हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। अगर हम इस बटन को दबाते हैं तो लेजर 3.5 सेकंड्स के लिए बंद हो जाएंगे। तुम बटन दबा सकते हो। क्या वो कर पाएंगे? ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई है। ओह माय गॉड, तुम सभी इतने चौकन्ने कैसे थे? सुबह के 5 बजे हैं, 7 घंटे हो गए हैं। हमारा इरादा मजबूत है। क्योंकि कोई भी आउट नहीं हुआ, हमें इसे और 10 घंटे करना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ। ओके, ओके। आज तो बहुत मेहनत हो गई, मेरे पीछे आओ। हमने सोचा क्या? हाँ, मैंने भी वही सोचा। पर जब आप एक स्पेसशिप में होते हैं तब दिन जरूरी नहीं होते। एक विशाल स्पेसशिप में। अंदर आ जाओ। क्या? मॉर्निंग। अब ये क्या है? मॉर्निंग, अंदर आ जाओ। तो लेवल 6 में स्वागत है। डूड, अब ये सब क्या है? आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथों में प्राइम की बोतलें क्यों हैं? वो इसीलिए क्योंकि प्राइम हाइड्रेशन एक 0 एडेड शुगर हाइड्रेशन ड्रिंक है, और इसके अंदर है सिर्फ 20 कैलोरीज, नेचुरली फ्लेवर्ड, वो भी 10% कोकोनट वाटर के साथ, और इतने विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ जो इन खिलाड़ियों को आगे जाने में मदद करेगा। और इनके अंदर 1 सिंगल मिलीग्राम कैफीन भी नहीं है। और क्योंकि ये कंपनी मेरे दोस्त लोगन पॉल और केएसआई ने बनाई है, अगर आप ये कोर्स प्राइम को हाथ में पकड़ के पूरा करते हैं तो मैं आपको दूंगा $10,000। बस एक बोतल? बस एक बोतल, तो ये लो। ओ कैच। हर खिलाड़ी को प्राइम की बोतल पकड़नी होगी और इन लेजर्स से बचते हुए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक कूद कर जाना होगा। ये लेजर्स हर 30 सेकंड में थोड़ी देर के लिए जाएंगे, तो आसान रास्ता लेकर खतरा उठाने के लिए मैं इनका स्वागत करता हूँ। या ये कूद कर जा सकते हैं। दिल जोरों से धड़क रहा है। क्या मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ। हाँ हाँ, चाहो तो जा सकते हो। दूर में थोड़ा सोचना चाहूंगी। ओके, शायद मैं ये कर सकता हूं। ओह माय गॉड, वो बस कूद पड़ा। ओ, ये क्या था? बात ये है कि जितना आगे जाओगे ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ठीक है। ओ? पता नहीं कूद पाऊंगी या नहीं। बढ़िया रेन। ये बहुत डरावना है। अगर मैं हट जाऊँ तो तुम कूद पाओगी? इसके कूदने के बाद मैं कूदूंगी। ठीक है, देखते हैं। मैं बच गया, मैं बच गया। हम फ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आते हुए मैंने देखा था। बहुत स्मार्ट। ओके, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। ओह बढ़िया, उसने कर लिया, सब ठीक है।
बात है। तुम बाल बाल बचे। पता नहीं छुआ या नहीं, हमें कैमरा फुटेज चेक करना होगा। रीप्ले करना ही होगा, इंस्टेंट रीप्ले। काल तो क्या फैसला है? तुमने लेजर को छुआ है, मुझे पता है। हाँ, पर हम प्राइम के लिए तुम्हें 10,000 देंगे, वादा करता हूँ। ओह नहीं, I'm sorry। मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर क्या कहूँ। hey, जाते हुए अपना 10,000 का केस लेके जाना। प्राइम को पीने के बाद दुख कम हो गया, शायद ये मदद करे। जल्दी मिलते हैं। थैंक्स जिमी। कोई बात नहीं, आने के लिए थैंक्स। माफ करना। मैं पागल हो रहा हूँ। और अब 3 बचे हैं। नंबर 4 तैयार नहीं है, मगर फिर भी जाने की सोच रहा है। तुम ठीक हो? तुम बच गए। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बेहतर। अब आगे मैं जाऊंगी, अब कोई खेल ये बहुत मुश्किल है, तो संभल कर खेलना। उसने कर दिया। मैं रास्ते से हट जाता हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला विजेता। उसके पैरों को देखो। अब सीधे आगे की ओर। लेजर इसे छूने ही वाला था। मैं तो गिरने ही वाला था। मेरे पैसों को मत चुमो। मेरे पैसों को क्यों चुम रहा है? आखिरी प्लेयर बचा है। बहुत प्रेशर है। ओके ओके, हमारे पास 3 विजेता है। ये अगले 3 लेवल्स तय करेंगे कि पूरे $2,50,000 लेकर घर कौन जाएगा। स्वागत है लेवल 7 में। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप खुद को आउट करके 1 टेस्ला जीत सकते हो, या $2,50,000 जीतने का मौका पाने के लिए खेलते रह सकते हो। तो आप क्या चुनोगे? वहाँ पर करीब करोड़ों लेजर्स हैं, क्या तुम उनसे गुजर पाओगे? बस आउट हो जाओ और टेस्ला को ले जाओ। एक तरफ है गारंटीड 40,000 और दूसरी तरफ $2,50,000 जीतने का मौका। जिमी, पर इन लेजर से गुजरने का रास्ता तो है। बिल्कुल नोलन, हमें परेशान मत करो। ये सच में बहुत कम्फर्टेबल है। मुझे यही कार चाहिए थी। वो पैसे मेरे हैं, मैं लूंगा। ठीक है, उसने ठान लिया। जाओ अपनी कार्स लो लेडीज, वो पैसे बस मेरे हैं। अगर आप में से एक भी इन कार्स को नहीं चुनेगा तो कमाल है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे रूम 10 में जाना है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, अगर तुमने इसे नहीं चुना तो ये मौका फिर से नहीं आएगा। हाँ, जानती हूँ। अगर तुम टेस्ला चुनती हो तो इसे अभी ले जा सकती हो। हो सकता है कि वहाँ जाकर खाली हाथ लौटना पड़े। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? हाँ। गाड़ी नहीं चाहिए? जरा इन्हें देखो तो। 5, 4, 3, 2, तुम ये गाड़ी घर ले जा सकती हो। 1, गाड़ी लेकर चली जाओ। फैसला करो। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करोगे। जल्दी, एक फ्री कार या वो पैसे जीतने का मौका। मैं अभी पैसों को चुनूंगी। तो फैसला हो गया। ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। तो जाओ नीचे, खेल शुरू करते हैं। विश्वास नहीं होता किसी ने टेस्ला को नहीं चुना। अब चलो भी रेन, बहुत इंतजार हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, देखो बस मेरी एक कमर कहीं टकरा ना जाए। दूर जगह बहुत कम है। हाँ, सच में कम है। यहाँ 2 रास्ते हैं और एक डेड एंड है। शायद वो डेड एंड की ओर जा रही है। ओह माय गॉड, तुम लिटरली 1 मिलीमीटर पास हो। वो सिकुड़कर 2,50,000 तक जाना चाहती है। 2,50,000 तक जाने के मौके तक। चलो तुम कर लोगी। लगभग हो ही गया। I'm coming, Carl। मैं तुम्हें देख सकता हूँ और हमारे बीच कोई लेजर नहीं है, जल्दी करो। ओके, हो गया। बढ़िया, तो पहला विजेता मिल गया। मैं आ गई। मैं कर सकती हूँ। प्लेयर 10, अगर ये दोनों लेजर्स छूते हैं तो तुम जीती। प्लेयर 6, ये कोई रेस नहीं है, ये नास्कार नहीं है। हाँ पता है, मैं बस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली हूँ। अगर यहाँ से नहीं गुजर पाई तो कहीं मैं कांपने ना लग जाऊँ। ठीक है, और 1। सब लोग अब बस नंबर 4 पर ध्यान दो। ये सबसे मुश्किल पार्ट है क्योंकि ये बहुत ही नैरो है। ओ, पैर पर ध्यान दो। उसका पिछवाड़ा टकराएगा? टकराया नहीं है, मैंने कहा टकराएगा। मैं और साफ बोलूंगा। ओ माय गॉड, मेरे पसीने छूट रहे हैं। जगह बहुत कम है, यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं यहाँ से जाऊँ और ऊपर से कूद जाऊँ, ऐसा कर सकता हूँ? तुम्हें इजाजत है, तुम ऊपर से कूद कर जा सकते हो। अगर उसने ये दीवार फान ली तो ये लेवल जीत जाएगा। तुम्हें लगता है इसके ऊपर से कूद कर जाकर किनारे से चलकर फिर से कूद कर जाना ज्यादा आसान होगा? वो इतना आसान नहीं होगा, पर मुझे भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा करते देखना चाहूँगा और बता दूँ कि ये बहुत ही कमाल का होगा। देखो फैसला कौन ले रहा है, ब्लेक। मैं ये कर सकता हूँ, मैं जरूर करूँगा। ये तो कमाल था। तुम दोनों को लगा कि ये टच कर लेगा। अब इनके चेहरे देखो, गुस्से में। ये कैसे हो गया? अब वो किनारे से चल रहा है। अब उसे वापस भी कूदना होगा। डूड, ये वहाँ से कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। हमने ऐसा सोच के ये सेट नहीं बनाया था, वो लिटरली गेम को बदल रहा है। और हमारे सेट को भी। ये दीवारें इतनी मजबूत नहीं है क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था।
अगर तुम गिरे तो तुम आउट हो, तुम जानते हो ना? ये बस कमाल है। वाकई में उसने कर दिया। अभी अभी ये सब क्या हुआ? बस अगले रूम में चलते हैं। उसके लिए मेरे पीछे आना होगा, मैंने इतनी कमाल की चीज कभी नहीं देखी। शुरू में जब हम पूरे 10 थे तब क्या किसी ने सोचा था आखिर में हम तीनों बचेंगे? मेरे लिए तुम दोनों ही खतरा हो, दोनों एक जैसे ही हो, मेरी परछाई जैसे। हा? दोनों खतरनाक हो। जब तक सबसे आगे हूँ तब तक जीत सकती हूँ। सच में मैं किसी के पीछे नहीं जा सकती, मैं खुद पे भरोसा रख के आगे जाऊंगी और मैं नहीं हारूंगी। सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, मैं बस अगली लेवल पे जाना चाहती हूँ। चलो अगले रूम में चले। कई सारी लेजर मेजेस को बनाना बहुत मुश्किल है, तो अगली वाली में मैंने मेरे दोस्तों की भी मदद ली थी। वेलकम। हाय, कैसे हो गाइस? हाय। इस लेवल में लगे हुए हैं बस 3 लेजर्स। मैंने सभी बॉयज को एक एक लेजर रखने को कहा और वो ही 3 लेजर्स इस लेवल में होंगे। नोलन की लेजर शुरू करो। मैं इसे कहता हूँ अप एंड डाउन। ये इतनी मुश्किल नहीं है। मैं इसे बेकार कहता हूँ। तरीक की लेजर शुरू करो। मैं इसे कहता हूँ साइड टू साइड। एकदम क्रिएटिव। अभी ये कितनी मुश्किल लग रही है? ये बहुत ही मुश्किल। ये बहुत मुश्किल है। अब काल की लेजर शुरू करो। या, या, या। और बस यही है लेवल 8 में, बस ये 3 लेजर। मुझे वो हरी वाली पसंद नहीं। हे गाइस, तुम्हें दौड़ना चाहिए, ऐसे बैठे क्यों हो? तुम सब जाकर कंट्रोल रूम में क्यों नहीं बैठ जाते? मैंने रास्ता देख लिया। हाँ, मैंने भी रास्ता देख लिया। ओह, वो तो चला गया। यस। व्हाट द हेक? कोई प्रेशर नहीं गाइस। उसने बताया भी नहीं कि वो जा रहा है, वो तो बस चला गया। ये क्या हुआ? पलके झपकते ही वो पैसे के पास पहुंच गया। पता है, मैं बिल्कुल चुप था और मुझे वहाँ ध्यान लगाना था और सब कुछ भूल कर रास्ता देखना था और दौड़ना था। अभी हमारे पास हमारा पहला विजेता है। अगर ये आउट होते हैं तो तुम जीतोगे $2,50,000। कोई प्रेशर नहीं दोस्तों। ओ, वो जा रही है। ठीक है, हमारा दूसरा प्लेयर। ग्रीन लेजर ने छू लिया। अब बस सब तुम पर है। अब सिर्फ तुम खड़ी हो प्लेयर नंबर 4 और $5,00,000 के बीच। अगर तुम आउट हुई तो वो जीत जाएगा। मैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। सबको दिखा दो कि तुम पैसों के लिए क्या कर सकती हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें कौन आउट करेगी? काल की लेजर, नोलन की लेजर या टरीक की लेजर? ओह, वो चली गई, वो हड़बड़ी में है। ओके, रेड लेजर। उसने कर दिया। जितनी आसानी से वो पार कर पाया, इसे ये पार करने में उतनी ही मुश्किल हुई। क्या मुझे लेजर ने टच किया? तुमने कर दिखाया। क्या तुम श्योर हो? तुमने किसी लेजर को नहीं छुआ, तुम बच गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड। अब वक्त है हमारे 9th लेवल में जाने का। सिर्फ तुम दोनों में से एक ही आखिरी लेवल को पूरा कर पाएगा। बेसिकली उस लेवल में किसी एक को तो हारना ही होगा। ठीक है, तुम्हें वही मिलता हूँ। क्या हमें लड़ना होगा? लेजर टैग्स? मैं चांद पर एक बीम गिराने वाला हूँ। वैसे करने की कोई वजह तो नहीं है, पर मुझे करना था। चलिए देखते हैं $2,50,000 कौन जीतता है। मैं नर्वस हूँ। हाँ, ये एक मेंटल चैलेंज है, इस पर काबू करना होगा। अभी सुबह के 5 बज रहे, पर मैं यहाँ तक आया हूँ पूरे वक्त कॉन्फिडेंट रहा हूँ। मेरा वादा है, मैं तैयार। इस वक्त अभी 5 बजे हैं? यस। मैं नहीं जानती, मैं थक गई हूँ। हाँ, पर मुझे ये कम्प्लीट करना ही होगा और मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ। काश वो दोनों जीत जाए, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। वो दोनों जीत के लायक है। बस सस्पेंस ऐड करने के लिए हमने इन्हें कुछ घंटे इंतजार करवाया। बोर हो रहा है। सही कहा, मुझे इससे नफरत है। इंतजार से और भी नर्वस हो रही हूँ। ओह माय गॉश, यकीन नहीं होता तुम दोनों ने टेस्ला को मना कर दिया। ये टॉप 3 है, ऐसे कैसे? एक रूम ही तो बचा था। इनाम या खाली हाथ? तुम्हें क्या लगता है ये जीतने के तुम्हारे कितने चांसेस है? 100% चांसेस है। सच में? हाँ, पूरा विश्वास है। ये पूरा कॉन्फिडेंट है। मैं सोच रही हूँ काश मैं जीत जाऊँ, मुझे सच में जीतने की उम्मीद। तुम्हें से कोई कुछ भी कहना चाहेगा? ऐसा कुछ नहीं, मैं थोड़ा ध्यान लगा रहा हूँ। हाथ मिलाते हैं। ओह, अब हम दुश्मन हैं। स्वागत है हमारे फाइनल लेवल में। इस फाइनल लेवल में हमने पहले की सभी मेजेस को एक साथ जोड़ दिया है। प्लेयर नंबर 6, अंदर आओ। ओह गॉड। बस एक सेकंड वहीं पर रुको। प्लेयर नंबर 4, अंदर आओ। अब ये सब क्या है? ठीक है, क्योंकि सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो तो ये लेवल थोड़ा अलग है। या तो पहले बॉक्स को टच करो और आसानी से जीत जाओ, या फिर तुम्हारा अपोनेंट तुमसे पहले लेजर को टच करेगा और फिर हार जाएगा और तुम आसानी से जीत जाओगे। नंबर 4, क्या बात तुम्हारी समझ आई? हाँ, अच्छी तरह से। नंबर 6, क्या तुम समझ गई? हाँ, समझ गई। मैं तुम दोनों को इस स्ट्रेटेजिक डिसीजन को लेने के लिए 30 सेकंड देता हूँ। ये आखिरी फैसले की घड़ी है।
मुझे ये जीतना ही है। डूड मेरा दिल अभी डूड वो अभी बहुत नर्वस लग रहा है। वाह दौड़ कर गए तो लेजर टच कर सकती है, मैं होता तो पड़ा रहता और यही करना सही होगा। मुझे फुर्ती से जाना होगा जितना तेज हो सके उतना। 10 सेकंड बचे हैं। हाँ कुछ भी करके मुझे जाना होगा। मैं दौड़ने वाली हूँ, उसके हारने का इंतजार नहीं करने वाली, मैं आगे जाऊंगी। जल्दी कह दो जिमी, जाने दो मुझे, जाने दो, मैं इंतजार नहीं करूंगी। 3, 2, 1 शुरू करो। ठीक है, जैसा कि मुझे लगा था ब्लेक आगे जा रहा है, वो बहुत आगे है। ओके ठीक है, दोनों जा रहे हैं, अब तक कोई आउट नहीं हुआ है। ओ क्या बात है, ओ ब्लेक बहुत आगे है। ओके ये आउट हुआ तो वो जीत जाएगी। उसने लेजर को टच किया। क्या? ओ, इसने लेजर को टच किया। नहीं ये झूठ है। नहीं सच में। हे लेजर्स को बंद करो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? लेजर्स को बंद करो। इसे टक्कर मत मारो। ए, तुम ठीक हो ना? खुद को चोट मत पहुंचाओ। क्या? ये सच में कमाल हो गया। और जाहिर है ब्लेक तुम्हें मिलेगा ये सेकंड प्लेस प्राइज और पूरे $10,000 क्योंकि ये प्राइम के कोर्स में भी 10,000 जीता था। पता है ये 2.5 लाख तो नहीं है पर ये रहे और 10,000। थैंक्स मिस्टर जिमी। क्या चाहती हो, मैं इसे क्यूब में ही डिलीवर कर दूं या फिर सीधा तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दूं? मैं चाहती हूँ तुम इसे क्यूब में ही भेज दो। और अगर तुम्हें लूट लिया तो? फिर मैं नहीं चाहती। मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, बाद में मिलते हैं। इसमें खड़ी रह सकती हो पर तुम डूब जाओगी, जरा संभल कर। देखा मैंने कहा था ना।